कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें सुनाया भी जाए तो जस्टिस नहीं किया जा सकता। ये कहानियाँ, इनके किरदार इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। ये कहानियाँ एक पूरे जनरेशन को इंस्पायर कर देती हैं और आने वाले समय को हमेशा के लिए बदल देती हैं। T20 का बुखार अभी कहीं भी चढ़ा नहीं था, जो था तो बस वनडे इंटरनेशनल्स, जिसके बादशाह पिछले करीब 8-9 साल से थे ऑस्ट्रेलियंस। जी हाँ, द माइटी ऑस्ट्रेलिया, जिनकी शुरुआत गिलक्रिस्ट से होती थी और खेल को फिनिश माइक हसी या एंड्रयू साइमंड्स जैसे लेजेंड्स करते थे। भारत अभी एक ट्रांजिशन से गुजर रहा था और ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देने वाली कोई टीम अगर थी तो वो थी साउथ अफ्रीका। जी हाँ, वही साउथ अफ्रीका जो 1999 में वर्ल्ड कप सिर्फ 1 रन से चूक गई थी इसी ऑस्ट्रेलिया टीम के सामने। वही साउथ अफ्रीका जो 2003 वर्ल्ड कप में होस्ट होने के बावजूद शर्मनाक तरीके से बाहर हो गई थी, और ये वही साउथ अफ्रीका थी जिसे चोकर्स के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2005-06 में वक्त काफी बदल गया था। कप्तान ग्रेम स्मिथ के अंडर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट इवॉल्व हो रहा था और दुनिया की सबसे बड़ी टीम को बराबर की टक्कर दे रहा था। ऑस्ट्रेलिया को हराना मतलब उनके गुरूर, उनके घमंड को तहस नहस करने जैसा था। ये कहानी है उस लेजेंडरी मैच की जिसने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की नींव को पूरी तरह हिला डाला और पूरी दुनिया को क्रिकेट से प्यार करने का एक और बहाना दे दिया। 11 मार्च 2006, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की 5-मैच ODI सीरीज का आखिरी वनडे है कल सुबह से शुरू। 5 में से पहले 2 मैचेस साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट और 196 रन से जीते थे, लेकिन क्योंकि ये ऑजी साइड द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइड है तो इनमें हार मानने का दूर दूर तक कोई लक्षण नहीं है और इन्होंने जबरदस्त वापसी करके सीरीज को 2-0 से 2-2 कर दिया है। माहौल, निगाहें सब सेट हैं जोहानिसबर्ग में होने वाले आखिरी मुकाबले पर। सभी ऑजी प्लेयर्स एक रात पहले अपने रूम पर जा ही रहे हैं कि उन्होंने डिनर टेबल पर देखा एक नशे में धुत हर्षल गिब्स को। जी हाँ, विराट कोहली के फेवरेट गिब्स, वर्ल्ड कप 1999 में स्टीव वॉ का कैच छोड़ने वाले गिब्स, और हाँ, अगले मैच में नंबर 3 पर साउथ अफ्रीका के लिए बैटिंग करने वाले गिब्स। गिब्स पूरी रात नशे में धुत रहे और उन्हें जबरदस्ती उनके रूम पर ले जाया गया। अगली सुबह जब हुई तो टीम मीटिंग के दौरान उन्हें खूब खरी खोटी सुननी पड़ी कैप्टन और कोच से। अब हरकत ही ऐसी थी, सीरीज का डिसाइडिंग मैच है, आप टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ियों में से एक है, नंबर 3 पे बैटिंग करने वाले हैं, लेकिन आपका ये हाल है। गिब्स को टीम से निकाला ही जाने वाला था कि मैनेजमेंट को रियलाइज हुआ कि भाई उनके पास तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, तो चलिए खैर, गिब्स को वार्निंग देकर खिलाया गया। किस्मत अच्छी थी जो उनकी पहले फील्डिंग आई जिससे उन्हें थोड़ा सोबर होने का टाइम मिल गया, लेकिन साउथ अफ्रीकन फील्डिंग के दौरान रिगी पॉन्टिंग अलग ही कहर मचा रहे थे। पिच शानदार थी, एक साइड की बाउंड्री छोटी थी और पॉन्टिंग पूरे मूड में थे। गिलक्रिस्ट और कैटिच के सपोर्ट के बाद उन्होंने और माइक हसी ने मिलकर जो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की धुनाई करी वो शायद उन्हें आज तक याद होगी। कोई भी बॉलर 7.5 के इकोनॉमी से कम में नहीं पिटा। ऑजी कोच जॉन ब्यूकैनन ने काफी टाइम से अपनी टीम को 400 का आंकड़ा वनडे में पार करने को बोला हुआ था, पर आज से पहले हर किसी ने उनकी बात को हंसी में डाल दिया। लेकिन हंसी पे टाला था ना, तो फिर बन गए 400+, और सिर्फ 400 नहीं 434। ये पहाड़ जैसा स्कोर, वनडे इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकाल्पनिक, और जो भी मिस्टर बच्चन बोलते हैं। इनिंग्स के बाद झुके हुए कंधे लेकर साउथ अफ्रीकन टीम ड्रेसिंग रूम में आती है। हर कोई हताश है, मानो सबको सांप सूंघ गया हो। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है उनके बॉलर्स के साथ। द कंप्लीट रूम was silent until the great Jack Cullis ड्रेसिंग रूम में आए और उन्होंने मजाक में ही सही कह दिया, well done boys, they are probably 10 to 15 runs short, और पूरे रूम में हंसी का सिलसिला शुरू हो गया। This dialogue actually broke the ice. लेकिन साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स अभी भी मान चुके थे कि यू सिंपली कैन नॉट प्लान टू चेज अ स्कोर लाइक दैट। कोच मिकी आर्थर जब कैप्टन स्मिथ के पास आए उन्हें एक मेथड बताने कि अगर आप हर ओवर में एक बाउंड्री और सिंगल डबल लेते रहो तो आप जीत सकते हो, लेकिन उनको यही बोल के सभी ने डिसमिस कर दिया। खैर, अब बैटिंग तो करनी ही थी, तो ब्रेटली, नेथन ब्रैकन जैसे बॉलर्स को फेस करने और 434 चेज करने निकल पड़े स्मिथ और डिपेनार। इनिंग्स के शुरू होते ही सेकंड ओवर में पिछले मैच के शतक वीर बॉयटा डिपेनार ब्रैकन के हाथों बोल्ड हो गए। एक स्टार्ट जो साउथ अफ्रीका और उनके फैंस बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। नंबर 3 पर आए हर्षल गिब्स। जी हाँ, एक रात पहले वाले गिब्स। हैंगओवर का असर कितना था ये तो देखकर ही पता चलने वाला था, लेकिन सडनली आने वाले कुछ ओवर्स में सब बदल गया।
स्मिथ अटैक करने लगे तो दूसरे छोर पे गिब्स भी ताबड़तोड़ बैटिंग करनी शुरू कर चुके थे। दोनों पॉन्टिंग और हसी की पारी रेप्लिकेट करने लगे। ऑजीज इधर उधर भागने लगे, लेकिन उन्हें ये तो पता था ना कि स्कोर 434 है यार, ये चेस थोड़ी होगा। हालांकि पॉन्टिंग ने अपनी टीम को इनिंग्स ब्रेक में ये पूरी तरह से क्लियर कर दिया था कि भाई स्कोर भले ही 434 है, पर आप डिफेंड ऐसे करें कि सिर्फ 200 बना है। अब वो बात अलग है कि साउथ अफ्रीका ने 200 रन महज 20-25 ओवर में ही पार कर लिए थे और स्मिथ अभी अभी आउट हुए थे 90 रन की शानदार पारी खेलकर। लेकिन अभी 234 रन और चाहिए थे, टैंक में और बल्लेबाज थे और गिब्स ने मानो ऑस्ट्रेलिया का धागा खोल दिया है। तो चौके छक्के लेफ्ट राइट सेंटर, क्या फास्ट बॉलर क्या स्पिनर, जोहानिसबर्ग में आतिशबाजी शुरू हो गई। गिब्स ने पूरा किया अपना शतक और वो फिर भी नहीं रुके। बेचारे मिक लुइस को तो इतना धोया कि मानो कोई ज्याती दुश्मनी है। मुझे क्यों तोड़ा? 434 का रिकॉर्ड ब्रेकिंग टोटल जो सबको इम्पॉसिबल लग रहा था, अब शायद उसकी कुछ उम्मीद अचानक से जग रही थी। 7 छक्के और 21 चौके मारकर हर्षल जब 175 पर आउट हुए तो भी साउथ अफ्रीका को 19 ओवर में 136 रन और बनाने थे। डिविलियर्स, कैलिस और कैंप आउट हुए और स्लोली ऐसा लगा कि शायद ये मैच उसी अंजाम पर पहुंचेगा जहां सब सोच रहे थे, साउथ अफ्रीका फिर से चोक करे और ऑस्ट्रेलिया मैच और सीरीज अपने नाम कर ले। लेकिन क्रीज पर मौजूद थे मार्क बाउचर, जो भले ही खुद इतनी मारधार नहीं कर रहे हो पर एक एंड को रोके हुए थे। दूसरे छोर पर योहान वैंडरवाल ऑस्ट्रेलिया की लंका बराबर जलाते रहे 194 के स्ट्राइक रेट से 35 रन और मैच फिर साउथ अफ्रीका की झोली में। 400 का आंकड़ा साउथ अफ्रीका ने छू लिया है। अपने आप में ये एक पोएटिक विक्ट्री है, लेकिन क्या आपको लगता है सिर्फ पोएटिक विक्ट्रीज पे वीडियोस बनते हैं? नहीं ना। लेकिन तभी इस बैटिंग पैराडाइज स्टोरी में एक नेथन ब्रैकन नाम का ऑस्ट्रेलियन बॉलर अपना फाइफर ले लेता है। बाउचर के अलावा कोई रिकग्नाइज बैटर नहीं बचा है। 6 गेंदों में 7 रन चाहिए। एंड्रयू हॉल थोड़ा बहुत बल्ला घुमा लेते हैं, लेकिन सामने हैं ब्रेट ली। 36,000 लोग स्टेडियम में, जिनकी दिल की धड़कनें करोड़ों दर्शक अपने टीवी स्क्रीन्स पे फील कर रहे हैं। साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री में क्या आज कुछ ऐतिहासिक होने वाला है? हाँ शायद, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उम्मीद की लहर है। कैसे? रिसेंटली साउथ सी, जो एक साउथ अफ्रीकन फिल्म है, उसने कंट्री का पहला ऑस्कर जीता है। कास्ट और क्रू उसी वक्त स्टेडियम में मौजूद हैं। ये कास्ट एंड क्रू पूरे कंट्री में उम्मीद का एक सिंबल है और उन्हीं के सामने जरा देखिए ये क्या अचंभा हो रहा है। रिकी पॉन्टिंग अपने लाइफ टाइम में 3 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, क्या आज 434 रन डिफेंड नहीं कर पाएंगे? क्या ये चोकर्स कही जाने वाली टीम सचमुच अनहोनी को होनी कर देगी? पहली बॉल ली टू बाउचर फुल और पूरी ताकत से सामने मारा है बाउचर ने, प्रोबेबली उनके पूरे दिन का बेस्ट टाइम शॉट, लेकिन ये लगा सीधे ब्रेटली के एंकल पर और सिर्फ सिंगल ले पाए। ली अपनी शिन चेक करते हुए वापस बॉलिंग मार्क पर, सामने एंड्रयू हॉल नंबर 10 बैटर जिन्होंने बल्ला घुमा दिया है और 4 रन। साउथ अफ्रीका नीड जस्ट 2 runs off 4 balls। यस इट्स हैपनिंग, पूरा क्राउड पागल हो चुका है, लोग बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। साउथ अफ्रीकन ड्रेसिंग रूम का मानो एक डोर से बंद गया है, सब एक साथ उठ रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं। एंड्रयू हॉल द हीरो, अब बस कुछ नहीं करना, चुपचाप बाउचर को स्ट्राइक देनी है। ली टू हॉल फिर से शॉर्ट पिच घुमाया, लेकिन मिड ऑन पर माइकल क्लार्क ने कैच कर लिया। ओह नो, यानी अब ब्रेटली को फेस करेंगे मखाया एंटीनी। ये हैं इनके बैटिंग फिगर्स। 2 रन चाहिए थे एंड्रयू, क्यों हीरो बनना था भाई। खैर, इस मैच का एड्रेनलिन ही कुछ ऐसा है कि कोई भी चीज शायद सीधे तरीके से नहीं हो सकती। एंटीनी, जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें बैट पकड़ना पड़ेगा, वो भी जब स्कोर 432 पर 9 हो, सामने ब्रेटली हो और बॉल्स बची हो सिर्फ 3। एंटीनी कहते हैं कि उनके दिमाग में सिर्फ 1999 का वो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट चल रहा था जब उन्हीं की तरह एक टेल एंडर के रूप में एलन डोनाल्ड समय पर रन नहीं दौड़ पाए, रन आउट हुए, मैच टाई हुआ, पर इसके बावजूद वर्ल्ड कप फाइनल नहीं पहुंच पाए। धड़कने तेज और उससे भी तेज ब्रेटली की गेंद को खेल दिया एंटीनी ने थर्ड मैन की दिशा में। साउथ अफ्रीका हैज स्कोर्ड 434। एंटीनी की जिंदगी का सबसे क्रूशल सिंगल और रिकी पॉन्टिंग के जीवन का लोएस्ट पॉइंट वो लाइव देख रहे थे। टोनी ग्रे कॉमेंट्री बॉक्स में खुशी के आंसुओं के साथ कमेंट्री कर रहे हैं। सारे दर्शक अपने इमोशंस नहीं रोक पा रहे क्योंकि इस कंट्री ने कितना कुछ झेला है। अपार्थी, डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिटिक्स, बैड लक, और आज डेस्टिनी ने इसी देश को मौका दिया है वो सब कुछ बदलने का सिर्फ एक बॉल में।
बाउचर स्ट्राइक पर सिर्फ एक सिंगल चाहिए ब्रेटली की गेंद और इस पूरे मैच में जब कुछ भी सीधा साधा नहीं हुआ तो क्या आपको लगता है बाउचर ने सिंगल लिया होगा? ऑफ कोर्स नॉट। मिड विकेट के ऊपर से बल्ला घुमा के बाउचर ने गेंद पहुंचा दी बाउंड्री के बाहर, पूरी की अपनी 50, लेकिन ये 50 उनके लिए मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो द स्कोर 438। साउथ अफ्रीका हैव डन द अनथिंकेबल। बच्चे बूढ़े जवान हर कोई उस स्टेडियम में इस इमोशन को जी रहा है। सबकी आंखें नम है, ये खुशी के आंसू है उस कंट्री के जिसने इस चोकर्स के बोझ को इस जबरदस्त अंदाज में कुछ देर के लिए ही सही पर विदा कर दिया है। साउथ अफ्रीका का एक एक खिलाड़ी गिब्स, बाउचर, स्मिथ, वांडरवाथ और पूरी टीम को गले लगा रहा है। पूरी टीम क्राउड के साथ जश्न मना रही है। ये वर्ल्ड कप फाइनल तो नहीं, पर ये वर्ल्ड कप फाइनल से कम भी नहीं। 1999 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में स्टीव वॉ का कैच छोड़ने वाले हर्षल गिब्स, जिन्हें यू हैव ड्रॉप्ड द वर्ल्ड कप बोला गया, आज वही कमेंटेटर्स उन्हें बोल रहे हैं यू हैव चेंज्ड दिस गेम फॉरएवर। हताश ऑस्ट्रेलिया और आश्चर्यचकित पूरी दुनिया। क्रिकेट की ही तरह लाइफ भी तो कुछ ऐसी ही है। खराब वक्त, बुरी किस्मत आपको सिर्फ तब तक दबा सकते हैं जब तक आप दबना चाहें। अगर आप डटे रहें तो फिर कोई पहाड़ ऐसा नहीं जो आप तोड़ नहीं सकते हो। बिकॉज रिमेंबर गाइज, फॉर एवरी 434 इन योर लाइफ यू हैव एवरी बिट इन यू टू रीच द 438। एस्पायर करते रहें, इंस्पायर करते रहें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, कॉमेंट करें, लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज शिवांग श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।